है, भुवनेश्वर में आ चुके हैं, उनका क्या दिक्कत है हम बात करेंगे। भाई क्या दिक्कत है आपको, यहाँ क्यों आए थे? भर्ती देखने आए थे, रैली यहाँ पे था टीए का, तो आए तो यहाँ पे पता चला कि यहाँ पे नो रिक्वायरमेंट लिख के नोटिस डाल दिया है, और वीडियो बहुत लोग बना के यूट्यूब पे डाले थे, और हमारे पास नोटिफिकेशन भी है। वो लोग बता रहे थे कि 22 से 25 तक यहाँ पे चलेगा रैली। कौन बताया था आपको? हमारे पास नोटिफिकेशन है, आपको दिखा दे रहे हैं, ऐसा ही था, मतलब यूट्यूब पे भी देखे थे वो, देखिए यहाँ पे आपके तो इसीलिए हम आए थे वहाँ से देखने के लिए भर्ती यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ कितने आदमी आए थे, कितने आदमी आए थे? अरे हम लोग कम से कम 6,000 से अधिक हो जाएंगे लड़के, बहुत लोग स्टेशन पे है, कुछ लोग चले गए, कुछ लोग वेट कर रहे हैं, कुछ लोग वहीं गेट पे, कुछ लोग पार्क में घूम रहे हैं, कुछ लोग कहीं इधर उधर हैं। आप क्या करते हैं, यूपी में उड़ीसा आए हैं, क्या करते हैं आप? जी हम लोग पढ़ते हैं, और मतलब दौड़ते तैयारी करते हैं आर्मी के लिए। आर्मी के लिए? जी। कितने साल से ट्राई कर रहे हैं आर्मी के लिए? तो 2 सालों से कर रहे हैं, और 2 साल लगभग 3 सालों में कोई भर्ती नहीं आई। इस साल आई थी। हम लोग 3 साल से भर्ती देखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 3 साल से कोई भी भर्ती नहीं आई है अभी तक। जो भी आई है पहले की आई थी, वो भी पुलिस की आई थी, वो भी अभी तक अभी जाके कैंसिल भी हो गई, और क्या हुआ कि पिछले साल की जो पहले की थी अभी अब जाके सेलेक्ट हुआ। अच्छा, यूपी के लिए आप सरकार आपके लिए क्या किया? सरकार कुछ नहीं किया अभी तक, अभी तक सभी लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, सभी देखिए यहाँ पे लड़के सभी, आपको यूपी को और यूपी के और बिहार के जो भी हैं, मतलब हमारे यहाँ के सबसे ज्यादा बेरोजगारी है हमारे यहाँ यूपी से, देखिए बताइए। आपका मतलब कि यूपी में बेरोजगारी बढ़ रहा है या नहीं? हाथ फुला के बोलो, बढ़ रहा है। क्या कहेंगे? थोड़ा ओके। क्या कहना चाहेंगे, यूपी के लिए बेरोजगार बढ़ रहा है? हम यही कहना चाहेंगे, आज 3 साल से मेहनत कर रहे हैं, ओवरेज हो रहे हैं हमें आज तक, और 5 साल में कोई जॉब नहीं मिली यूपी में, सब प्राइवेट हो रहा है, सीधा गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट बोल दे कि हम आप लोग छोड़ दीजिए, हम नौकरी नहीं देंगे, तो हम लोग परेशान नहीं होंगे। 1,000 किलोमीटर दूर से आए थे यूपी से भर्ती देखने, यहाँ आने के बाद पता चला कि भर्ती नहीं है, तो खिलवाड़ हो रहा है हमारे जीवन। यूपी पे हो रहा है, उड़ीसा पे भी हो रहा है ना, यूपी में जो मंत्री है, मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री से बात हुआ क्या आपका? नहीं, किसी से बात नहीं हुआ ना अभी तक, किसी से बात नहीं हुआ। थोड़ा यहाँ आ जाइए, बात हो रहा है यूपी में कैसा है? सर बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, और यूपी में बेरोजगारी नहीं होता तो हम लोग यूपी से बिहार, फिर बिहार से झारखंड, झारखंड से पश्चिम बंगाल, और उतनी मतलब 4 से 5 राज्य में हम घूमते हुए यहाँ पर आए हैं। भूखे प्यासे हर बच्चा गरीब घर से है, यहाँ पे जितने भी फैमिली के बच्चे आए हुए हैं सभी लोग गरीब घर के बच्चे हैं, और यहाँ पर सभी लोग भूख प्यास से आए हैं। यहाँ पर अच्छे अच्छे लड़के भी खाना नहीं खाए, पूछ लीजिए सभी से, अच्छे से खाना कोई नहीं खाया है। और यहाँ पर हम लोगों को पता चला कि टीए की भर्ती है, और यहाँ पता आने पर हम लोगों को पता चल रहा है कि भर्ती कैंसिल है। युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हम उत्तर प्रदेश गाजीपुर से हैं, हमारा 19 वर्ष हो गया है, और आर्मी का एक भी भर्ती नहीं आया है, और हम 2-2.5 साल से आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, बताइए ये बेरोजगारी नहीं? जो मुख्यमंत्री है तब तो कोई देगा, उनसे भेंट होगा तब तो कोई देगा, मतलब हमारे टीवी पर रोजगार देंगे, लेकिन टीवी पर दिखाया जाता है कि रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार कहाँ मिला है? किसी को नहीं मिला। चमचों को रोजगार मिलेगा बस यूपी में, चमचों को रोजगार मिलेगा। रोजगार का मतलब तो ये भी हो गया, नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि पकौड़ा बेचिए, तब हम लोग चाय बेचिए और पकौड़ा बेचिए तो हम लोग का जीवन चलेगा। जिस स्टाइल पे मुख्यमंत्री स्टेज पे बोलते हैं ना, उसी टाइप पे काम होता है क्या? एकदम नहीं होता, कुछ नहीं होता है, सब दिखावा होता है, मीडिया को दिखावा होता है, मीडिया बना लिया फोटो और वायरल कर दिया, बस वही हो गया। और गोदी मीडिया घूम रहे हैं ना उधर, चमचा है गोदी मीडिया का, तो देन है कि हम लोग तो बिहार से आए, 8-9 किलोमीटर है, बिहार में भी वही हाल है। हम लोग मतलब पता चला कि टीए का उड़ीसा में भर्ती में रैली है, आए यहाँ पर, आए गूगल वगल पर देखे तो सब दिखा रहा है, यहाँ आए तो गेट पर बोल रहा है कि नहीं है, फेक न्यूज है ये, हम लोगों के साथ विश्वासघात ना हो रहा है। हम लोग आज दूतने से भी मतलब खाए पिए भी ना, ट्रेन में जिस तरह से लटक लटक कर आए, बिहार हो या यूपी हो सब कोई का वही हाल है। बिहार में नीतीश कुमार बड़ा बड़ा अपना रैंड रणनीति, मुझे बताइए आपको गूगल तरफ से इन्फॉर्मेशन मिला, यूट्यूब तरफ से इन्फॉर्मेशन मिला, आपने आने से पहले कुछ इंक्वायरी किया था? हम गूगल में देखे, उसके बाद नोटिफिकेशन भी जारी हो गया कि उड़ीसा में है टीए की भर्ती, हम लोग आए तो यहाँ पता चला कि नहीं होगा भर्ती।
यूपी में जो हो रहा है बिहार में भी वही हो रहा है, वही हाल है, वही हाल है, जो बिहार का हाल है वही यूपी का हाल है। यूथ के लिए क्या हो रहा है भाई, मुख्यमंत्री क्या कर रहा है, प्रधानमंत्री क्या कर रहा है यूथ के लिए? अगर आप एक रेस्पॉन्सिबिलिटी यूथ है, आपका जो एजुकेटेड है, आप क्या कहना चाहेंगे यूथ को, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? यूथ के बारे में सरकार कोई भी कुछ नहीं सोच रही है, यूथ जो है उसी तरह बिगड़ता जा रहा है, कहाँ हम लोग बेरोजगार उसी तरह है, नहीं बेरोजगार में कुछ नहीं, कोई दो तीन साल से वैकेंसी है, केवल कोरोना को तो बहाना हो रहा है कि कोरोना कोरोना कोरोना, उसी लिए कल बहाली के लिए कोरोना, इलेक्शन के लिए कोरोना नहीं है, महंगाई और बेरोजगारी यही तो है। मोदी जी कह दिए हैं तो कह दिए हैं, कोई भी काम करे। बिहार में तो बोला गया था 20 लाख आदमी दो करोड़ रोजगार दे रहे थे, कहाँ गए उनको रोजगार? 20 लाख रोजगार बोल रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनो, पकौड़े तलो, बीए बीटीसी बीटेक करके लड़का पकौड़ा तलेगा? सीधा बोल दो जॉब नहीं देंगे, नहीं है बस का, नहीं करेंगे तैयारी, हम पागल नहीं है, ओवरेज हो गए, एसटीए की भर्ती देख रहे हैं। आप, आपका फ्यूचर अभी संकट में है लग रहा है आपको? सर हम लोग का सबका संकट में है सर, सर हम लोग इतना तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और हम लोग बोलिए सरकार को, आपका जो बिहार का सरकार है, आप बताइए ना कैमरा हमारे थ्रू बताइए, वो क्या करना चाहेंगे आप? बिहार सरकार क्या कर रहा है? बिहार सरकार तो कुछ नहीं कर रहा है, युवाओं के बारे में तो कुछ बिहार सरकार सोच ही नहीं रहा है, केवल अपने चमचागिरी दिखा रहा है स्टेज पर, और उपचुनाव हो रहा है उसी के बारे में तो केवल रैलियां निकाल रहा है, और दानापुर में जो रैली होने वाली थी फरवरी मार्च में वो भी नहीं होगी, पता लग रहा है नहीं होगी। अभी जो पिछला बार जो लड़का मेडिकल फिजिकल पास किया है बिहार में, उसका भी आठवां नौवां बार मेरिट में फ्लॉप हो गया, नहीं हो रहा है उसके टाइम, अब फिर भाई इधर आ जाए, क्या बोलना इधर हो जाए सर, जुलूस के टाइम कोरोना नहीं आ रहा है, और हम लोग के पढ़ाई और वैकेंसी के टाइम सब कोरोना आ जा रहा है, सब उनका काम है एक ही, बस उनका विकास हम देखे हैं, योगी जी का यही विकास देखे हैं कि वो बस जितने ऐतिहासिक जितने पूर्वज मतलब रखे हैं नाम, सब उनको चेंज करना है बस, और कुछ नहीं करना है उनका नाम, बस यही सब चेंज करते रह रहे हैं बस, उनका वैकेंसी कोई नहीं आ रहा, बस बच्चों के बारे में, बच्चों के बारे में नहीं देख रहे हैं, बस हिंदू मुस्लिम बस देख रहे हैं, ठीक है, हिंदू मुस्लिम बस देख रहे हैं और कुछ नहीं देख रहे हैं, बच्चों हम लोग के भविष्य के बारे में वो थोड़ा सा भी सोच नहीं रहे हैं, ठीक है, कुछ भी उनका मतलब सोचना नहीं है, ठीक है, ये ऐसी बात नहीं है कि हम लोग को खाना नहीं मिल रहा है, ठीक है, लेकिन बस देख रहे हैं योगी जी ने पूजा पाठ कर रहे हैं, किस लिए पूजा पाठ कर रहे हैं, बस जो भी है वो जहाँ आते हैं हमारे यहाँ बलिया में आए थे मालदेपुर में, ठीक है, उनको जनता से मिलने नहीं दिया गया। अच्छा ठीक है, अब अभी बताइए आपका जो नेक्स्ट प्लान क्या होगा, नेक्स्ट प्लान क्या करने वाले हैं? हम लोग मजबूर हैं सर, अब क्या करेंगे हम लोग, अब तो सुन पाए कि नहीं होगा, अब हम लोग बेसहारा बनकर घर जाएंगे, अपने घर पे भी ताना सहना पड़ेगा कि क्या करने गए थे आप लोग, घर का घर जीवन से बता कर आए हम लोग कि जा रहे हैं बहाली अटेंड करने, यदि बहाली अटेंड कर नहीं गए तो बोलेंगे सुट मुट कर घूमने गया ये लोग, ऐसे होता है। एक बात बताइए आप, थैंक यू लास्ट एक बात बताइए, जब आप, जब हमको दो साल रैली नहीं मिल रही है तो हमको उम्र में छूट चाहिए कि नहीं चाहिए? तो हमको छूट नहीं मिल रहा है, एक महीने का छूट नहीं मिल रहा है, ओवर एज हो गए, तो पूरे युवाओं को छूट चाहिए उम्र में, आर्मी की रैली में छूट मिले हमें।